एक लेखपाल के चलते किस तरह गांव का विकास कार्य बाधित है, यह इसी रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें, भदोही जनपद के सूर्यावा अंतर्गत कुसौड़ा ग्राम सभा में लेखपाल की मनमानी के चलते जहां ग्रामीण नाराज हैं, वहीं गांव का विकास कार्य भी रुका है। इसी को लेकर भदोही से पीबीसी रिपोर्टर राजकुमार सरोज की ये विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश भदोही जिले के सूर्यावा ब्लॉक कुसौड़ा से ताल्लुक रखने वाले अखिल भारतीय प्रधान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने ग्राम सभा में विकास न होने का बड़ा कारण बताया हल्का लेखपाल। उपाध्यक्ष जी, आप बताइए कि प्रदेश की जो योजनाएं चल रही हैं, शौचालय या आवास, किस तरह हो रहा है बाधित? उपाध्यक्ष, मैं यहाँ कुसौड़ा की बात कर रहा हूँ। कुसौड़ा में हमारे यहाँ एक ब्राह्मण विधवा महिला है, उनको शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है। करीब 2 महीने पहले वहाँ पे जैसे उनकी नींव की खुदाई और जैसे ही उनकी नींव भरी गई, वहाँ पे लेखपाल महोदय पहुँचे, हल्का लेखपाल। उन्होंने काम रुकवा दिया, बोले कि आपका यहाँ पे जो बन रहा है मकान, वो खोरी में कुछ आ रहा है, आंशिक भाग उसका कुछ खोरी का है। जबकि यही लेखपाल और राजस्व विभाग जो है, ये मिलकर वहाँ पे जो खोरी हमारा था 4-5 बीसे का, वहाँ पे सब अनुचित लाभ लेकर वहाँ पे कब्जा करा दिए हैं, बहुत पहले से ही, करीब 20-25 साल पहले से ही। लेकिन जब उक्त विधवा महिला द्वारा वहाँ पर आवास बनवाया जा रहा है, तो वो जबकि अपने चक में बना रही है, भूमधरी संख्या उनका जो है 628 है, उसमें बन रहा है, लेकिन बेवजह वहाँ पे आके लेखपाल ने रोक दिया। उन्होंने कहा ठीक है, जहाँ तक खोरी का है चक, उसको अलग कर दीजिए, उसके बाद मैं अपने चक में बना सकूँ। तो आज 2 महीने हो गया, अब बार बार नोटिस भी जारी हो रही है शासन स्तर से, कभी तक आवास पूर्ण क्यों नहीं हुआ, लेकिन लेखपाल महोदय द्वारा या राजस्व विभाग अभी तक सुध नहीं लिया। इसके अलावा शासन की महत्वपूर्ण जो योजना है आपकी शौचालय, वो ODF के कगार पे है, पूरा जनपद, हमारा मंडल भी ODF के कगार पे है, हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ GS जमीन पे, कुछ एक GS जमीन है जहाँ 500 साल से वहाँ पे पाल बस्ती के लोग रह रहे हैं, यहाँ पे वहाँ पे घर द्वार सब उनका बना हुआ है बहुत पहले से। शासन की मंशा है कि जो जहाँ पे है, जिसका घर बना हुआ है, उसी के आसपास जो है शौचालय बनवाया जाए। जब वहाँ पे शौचालय कई लोगों का बन गया, वहाँ पे कुछ लोगों का, 2 लोगों का शौचालय रोक दिया गया, लेखपाल महोदय आके रोक दिए। जब उनसे हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि GS है, हम कहा GS में पूरी बस्तियाँ हैं, उसको आपने आबादी अभी तक क्यों ना दर्ज किया? तो चूंकि ये लोग लगातार परेशान कर रहे हैं और उसी GS जमीन पे, उसी नंबर पे कल ये लोग गए थे फसल की बुआई कराने के लिए, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, ये लोग जबरदस्ती वहाँ दूसरी पार्टी से अनुचित लाभ लेते हुए वहाँ पे बुआई का कार्य कराने के लिए गए थे। सरकार की शौचालय, सरकार द्वारा मिले शौचालय को तो एक तरफ रुकवाया जा रहा है और दूसरी तरफ उनको कब्जा दिलाया जा रहा है। संजय जी, मैं आपको रुकना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के मंशा के विकास कार्यों में पड़ रहे लेखपाल बाधित? जी अवश्य, मैं बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ 4 आंगनबाड़ी केंद्रों में मात्र 1 आंगनबाड़ी भवन बना हुआ है। 3-3 का पैसा कई बार आया, वापस आ गया, लेकिन 1-1 बिस्सा जमीन नहीं दे पाई लेखपाल। मैं लगातार एप्लीकेशन दे रहा हूँ। क्या आपके ग्राम पंचायत में जिस जमीन है जो कि पट्टा देने योग्य है? जी, हमारे यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास 1 इंच भी जमीन नहीं है, बेचारे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। उनको मैं आवास भी, आवास के लिए भेजा हूँ, लेकिन उनके पास कोई जमीनें नहीं है, कहाँ बनाए। जबकि 50 बीघे जमीन जो है भू माफियाओं के कब्जे में है, अभी लोग उनसे हफ्ता लेकर जो है लगातार अपना दुकान चला रहे हैं। राजस्व विभाग आज तक सुध नहीं लिया। मैं कई बार, हमारा 26 बीघे का एक तालाब है, वहाँ पे कम से कम 14-15 बीघे का कब्जा हो गया है, लेकिन आज तक कोई भी वहाँ का राजस्व विभाग। ये थे अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव जी। मैं भदोही जिले के युवा प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष अजीत यादव से कुछ पूछना चाहता हूँ। ये बताइए अजीत जी, क्या अगर इस तरह से राजस्व कर्मचारी लापरवाह हुए, तो क्या आपका संगठन इनके विषय में या कुछ इनकी मांग बर्खास्तगी या ट्रांसफर या बदले यहाँ से स्थानांतरण की मांग करेंगे?
जी सर, अभी जिस प्रकार से प्रकरण चल रहा है हमारे सूर्यावां ब्लॉक के कुसौड़ा ग्राम सभा में, इसके पहले हमारे ग्राम पंचायत में भी ऐसी खबर आई थी। मैं कुसौड़ा की बात कर रहा हूँ। कुसौड़ा में बता रहे हैं जिस प्रकार से चल रहा है, अवैध तरीके से कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं और अगर नहीं सुधर रहे हैं तो अखिल भारतीय प्रधान संगठन धरना देने के लिए तैयार है और हर संभव गरीबों के लिए हम प्रधान साथी तैयार। अजीत यादव भदोही से, प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष। मैं राजकुमार सरोज, पीसीसी चैनल, उत्तर प्रदेश, भदोही।